7 अक्टूबर की सुबह से फिलिस्तीन और इसराइल के बीच खूनी जंग चालू है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध में दोनों तरफ के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर आम नागरिक हैं। अपनी सहूलियत, धर्म, सुविधा और विवेक के अनुसार दुनिया इस मसले पर बट गई है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच यह कोई पहला खूनी संघर्ष नहीं है, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि इस बार की लड़ाई निर्णायक साबित होगी। तो आज की वीडियो में हम 3 प्रश्नों पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशियो पंडित। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। खैर, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। पहला सवाल यह है कि युद्ध की टाइमिंग क्यों अहम है, दूसरा इसराइल से भूल क्या हुई, और तीसरा सवाल है कि नेतन्याहू का भविष्य आखिर होगा क्या। अखबारों के हेडलाइनों में पीएम नेतन्याहू हैं, लेकिन इसराइल में राष्ट्रपति भी हैं। नाम है इसहाक हर्जोग। उन्होंने टाइम मैगजीन के अपने कॉलम में लिखा कि विश्व युद्ध 2 के दौरान हुए होलोकॉस्ट के बाद पहली बार ऐसा है कि एक दिन में इतनी संख्या में यहूदियों की हत्या हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, ये युद्ध शुरू हुआ था जमीन के चलते, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है इस युद्ध की टाइमिंग। हमास फिलिस्तीन के 2 प्रांतों में से एक गाजा पट्टी में शासन करता है। इसने इसराइल में हमले के लिए दिन चुना 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर खास नहीं है, खास है इस दिन पड़ने वाला सिमचट तोरा का त्योहार। ये त्योहार हर साल होता है। इसराइल दुनिया का इकलौता यहूदी राष्ट्र है। दुनिया में यहूदियों की 2/3 आबादी इसराइल और US यानी अमेरिका में ही रहती है, इसलिए ये त्योहार इसराइल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सरकारी छुट्टी भी होती है। दूसरा, इसराइल की अरब से कई बार लड़ाई हो चुकी है। समय बीता तो मामला धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर इसराइल ने अरब से सुलह समझौता करना शुरू कर दिया। कई देशों से हो भी गया है और कुछ से बाकी है। फिलहाल इसराइल की सऊदी अरब से बातचीत चल रही थी अमेरिका की मदद से। इस हमले और उसके बाद इसराइल की कार्रवाई से इस बातचीत पर तो पानी फिर जाएगा। दरअसल सऊदी खुद को अरब वर्ल्ड का लीडर मानता है। अरब के कई देश इसराइल के खिलाफ हैं। ऐसे में सऊदी इसराइल के साथ शांति को लेकर बातचीत कर अरब में अपनी बादशाहत के लिए चुनौती नहीं लेना चाहता है। दूसरा सवाल ये है कि इसराइल से आखिर भूल कहां हुई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जेक सुलिविन। उन्होंने 29 सितंबर को कहा था, मिडिल ईस्ट इस समय इतना शांत है जितना 2 दशकों में कभी नहीं रहा। उनके ये कहने के सिर्फ 8 दिन बाद ही इसराइल पर इतना बड़ा हमला हो गया। हमास के आतंकी हर तरीके से इसराइल में घुसे। ये एक तरीके से सरप्राइज अटैक था। मिस्र का कहना है कि उसने चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसराइल ने उसे इग्नोर कर दिया। इसराइल 2 चीजों के लिए दुनिया भर में दम भरता है। पहली चीज है मोसाद, दूसरी है आयरन डोम। मोसाद इसराइल की खुफिया एजेंसी है। ये अटैक सबसे बड़ा फेलियर मोसाद का बताया जा रहा है। आयरन डोम ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये अपने काम में अभी भी लगा हुआ है। वीडियो के सबसे अहम प्रश्न की तरफ आ जाते हैं कि इसके बाद नेतन्याहू का भविष्य क्या हो। बेंजामिन नेतन्याहू 3 दशक से राजनीति में है। जितनी बार वे चुनाव जीते, करीब करीब उतने ही उनको निकनेम मिले हैं। कोई द मैजिशियन बुलाता है तो कोई किंग बीबी। पहली बार प्रधानमंत्री 1996 में बने थे। दुनिया में भले ही लोग और ताकतवर नेता नेतन्याहू के साथ खड़े हों, उनके देश में लोग उनके विरोध में हैं। युद्ध से पहले इसराइल में प्रदर्शन हो रहे थे। ये प्रदर्शन किस लिए हो रहे थे? दरअसल इसराइल में नेतन्याहू की सरकार कानून व्यवस्था में बदलाव करना चाहती है। उसकी मंशा है कि कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को थोड़ा कम किया जाए। नेतन्याहू के विरोधी और विरोधियों के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं। का मानना है कि नेतन्याहू कथित सुधार के चलते लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। चूंकि नेतन्याहू पे भ्रष्टाचार का केस भी चल रहा है, तो आरोप ये भी है कि नेतन्याहू नए कानून को निजी फायदे के लिए बनाना चाहते हैं। इसराइल का इतिहास रहा है, कोई भी युद्ध या संकट हो उसके बाद सरकार का गिरना तय होता है। कॉलमनिस्ट विलियम ए गैल्स्टन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा है, युद्ध देशों को बदल देता है। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नेतन्याहू ने अपनी ऐसी छवि पेश की है कि इजरायली सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में सबसे सक्षम नेता वही है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने इस दावे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि युद्ध खत्म होने के बाद इजरायली राजनीति में बड़े बदलाव होंगे और नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य जल्दी खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।